नागपुर की पुलिस से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के मुद्दे हम लेकर आए हैं, वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास ये डिपार्टमेंट है, अगर वो सुन ले हमें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री जो भले ही किसी और राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, और मैं अगर कोई शिकायत लेकर आया हूं तो उनका फर्ज है कि मेरी क्या शिकायत है, मेरी क्या मांग है, उसे अगर सुन ले तो ज्यादा बेहतर होगा। वरना मुख्यमंत्री साहब को यह भी एक पैगाम दे दीजिएगा कि यह सिर्फ आगाज है, अगर मुख्यमंत्री साहब हमारे सब्र का पैमाना फूटने के बाद क्या होता है देखना चाह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री साहब को हम ये कहना चाहेंगे कि एक बार फिर हम मुंबई आ रहे हैं, और इस बार सुबह आएंगे और शाम में वापस नहीं जाएंगे, जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होती है मुंबई के अंदर बैठे रहेंगे। मेरे भाइयों, जिस लड़ाई के लिए हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जिन मांगों को लेकर हमने यहां पर आज एक मोर्चा निकाला है, आप खुद जानते होंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा था जब रिजर्वेशन का मुद्दा अदालत के अंदर गया, मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो अदालत ने बहुत सारे जो सरकार के कमिटीज थे, सरकार ने कमिटी बनाई थी कि देखो समझो और हमको बताओ कि मुसलमानों का एजुकेशन, मुसलमानों की माशी हालत कैसी है, इसकी पूरी स्टडी करके हमें रिपोर्ट दो। एक रिपोर्ट बनी सच्चर कमीशन की, सच्चर कमीशन ने कहा कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा है, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा था कि दलितों से ज्यादा इस मुल्क के अंदर मुसलमान और पिछड़ा है, मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यह जस्टिस सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बताती है। वो रिपोर्ट आई तो लेके ठंडे बस्ते में रख दिए, फिर जब मुसलमानों ने मांग की तो कहा नहीं, हम दूसरा एक कमिटी बनाते हैं। फिर महमूदुर रहमान कमिटी बनी, महमूदुर रहमान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जब पेश की तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कम से कम 8% एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि कितने मुसलमान बच्चे तालीम से दूर है, चौथी तक आए आए तक कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते, सातवीं तक आए तक कितने छोड़ देते हैं, दसवीं कितने मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, बारहवीं तक कितने नहीं पहुंच पाते हैं, ये पूरा स्टडी करके महमूदुर रहमान कमिटी ने दिया। रिपोर्ट आई फिर ठंडे बस्ते में चले गई, फिर मुसलमान आए सड़कों पर तो कहा कि कुंडू कमिटी बनाई जाएगी। कुंडू कमिटी ने भी वही बातें बताई जो सच्चर कमीशन ने और महमूदुर रहमान कमिटी ने बताई। फिर उसके बाद जब कुंडू कमिटी की रिपोर्ट आई तो फिर गई ठंडे बस्ते में, फिर कहा कि नहीं, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये स्टडी करेगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने स्टडी किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो बनाई, वो सच्चर कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, कुंडू कमेटी, तीनों के हिसाब से उन्होंने भी वैसी ही रिपोर्ट बनाई कि मुसलमानों को जब तक आप मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं लेकर आएंगे,
हम कोई आज से ताजमहल नहीं मांग रहे। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को वो डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, यूपीएससी के एग्जाम में बिठाए। लेकिन आज इतने सालों से जो साजिशें रची जा रही है कि मुसलमानों को तालीम से दूर कैसे रखा जाए, और सिर्फ अब ये राज्य सरकार कर रही है ऐसा नहीं, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज है, और हाँ माइनॉरिटीज का मतलब लोगों को यह लगता है कि माइनॉरिटीज मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, माइनॉरिटीज के अंदर मुसलमानों के साथ बुद्धिस्ट समाज आता है, क्रिश्चियंस आते हैं, जैन्स आते हैं, सिख आते हैं, पारसी आते हैं, ये सब माइनॉरिटीज की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। उसके 8 दिन के बाद एक फैसला लिया गया कि मौलाना आजाद रिसर्च फेलोशिप, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो बच्चे पीएचडी कर रहे, रिसर्च कर रहे, उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। मुझे तो हैरानी लोकसभा में बैठकर उस वक्त हुई जब कुछ कांग्रेस वालों ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले खड़े रहकर ये कहे कि मराठाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए, मुसलमानों को देना चाहिए। अरे ओहो भाई साहब, मुंह में लड्डू लेकर बैठे थे क्या जब सत्ता थी यहाँ पे? तो भाई साहब जब सत्ता थी तो तब उठाए नहीं मुद्दा और उम्मीद कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी देगी, शिवसेना वाले देंगे। जब सत्ता में रहते हैं तो क्या चाहिए? आपका वोट चाहिए। विपक्ष में गए तो बोले नहीं उन्होंने देंगे आपको। मैं उनको देखकर जब वो खड़े रहकर बोल रहे थे तो मैंने एक सांसद से कहा, उलझन बड़ी है अब क्या करें, किससे मोहब्बत किससे नफरत करें, हर चेहरे के पीछे है कई चेहरे, किस पे शक करे और किस पे एतबार करे। अरे आप लोगों को देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाएगी कि इतने रंग तो मैं भी नहीं बदलती हूं जितने तुम बदलते हो। मेरे भाइयों, आज अगर ये सरकार अगर आपको नहीं सुन रही है, अगर आपकी मांग पूरी नहीं कर रही है, तो उसकी वजह यह है कि वो ये समझती है कि ये कौम मुर्दार हो चुकी है, इनमें लड़ने की कुव्वत खत्म हो चुकी है, और किसी भी जमहूरियत के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए एक टिका हुआ पत्रकार, एक डरा हुआ विपक्ष और एक मुर्दार कौम किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक साबित होती है। तुम्हें अगर जिंदा है तुम तो जिंदा रहने का सबूत देना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। आज के इस दौर के अंदर कोई तुम्हें हथेली पर लाकर नहीं देने वाले हैं कि लो ये रिजर्वेशन हम तुम्हें देने के लिए आए हैं, लो हम तुम्हारी भलाई के लिए। मैं एक बात तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूं, इस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, यह मुल्क हमारा है, यह मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह मुल्क जितना तुम्हारा है उतना हमारा है, और इस मुल्क की तरक्की के लिए हम जी जान लगाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर सरकार यह सोच रही कि इनको हम तालीम के में पीछे रखेंगे, इनके बच्चों को हम पढ़ाई से दूर रखेंगे, तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा? नहीं, ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर तुम मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को अगर तालीम से अगर दूर रखेंगे, हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। लेकिन आज जो साजिशें हो रही है, मैं सिर्फ आप लोगों से गवाही चाहता हूं, अगर यह बात यहां पर नहीं सुलझती है
तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक तारीख का ऐलान करेंगे। और सुनिए मुख्यमंत्री, सुन लीजिए देवेंद्र फडणवीस साहब, नागपुर तो सिर्फ एक झांकी है, बंबई में पूरी पिक्चर तुमको दिखाएंगे। हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे आखिरी दम तक। ये जो हमारी माएं बैठी हैं, देखिए उनकी उम्र क्या है। अगर वह 4 किलोमीटर तक की धूप में अगर वह चलकर आ रही है तो उनकी मांग क्या है। उनकी झोपड़पट्टियों को नष्ट नाबूद करने की जो साजिश रची जा रही है, मैं अम्मा तुमको एक बात बताता हूं, तुम्हारा बेटा इम्तियाज जलील तुम्हारे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगा। मैं हक के लिए, सच्चाई के लिए हम पीछे हटने वालों से नहीं है। और अगर कोई समझ रहा है कि ये डरने वाली जमात है तो सुनिए, पार्लियामेंट के अंदर उनके 300 बैठते हैं, हम 2 बैठते हैं और कैसा गरजते हैं। अगर किसी ने नहीं सुना है तो YouTube पर जाकर देख लो, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि बाप बाप होता है। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझना, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझना। ये लड़ाई जो है ये हमें अधिकार दिया है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने। वो बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने कहा था कि मैंने सारी दुनिया की तालीम हासिल की है, मैंने सारी दुनिया का एजुकेशन हासिल किया, उसके बावजूद मैं राजनीति का रास्ता इसलिए इख्तियार किया कि अपने समाज को अगर इंसाफ दिलाना है तो सत्ता के अंदर हिस्सेदारी जरूरी है। वो हिस्सेदारी के लिए आप लोगों को मेहनत जद्दोजहद करनी जरूरी है। मित्र बात है, मैं तमाम नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जाते जाते तुम्हें मुझे जबान देनी होगी कि जिस दिन भी हम ऐलान करेंगे और अब ये मुंबई में जब जाएंगे तो अकेले हम नहीं जाएंगे, असद साहब को भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और मुंबई की सड़कों के ऊपर असद साहब भी आपके साथ कांधे से कांधा लगाकर बैठे रहेंगे। अगर आप मेरे साथ वहां पर चलने के लिए तैयार है तो दोनों हाथ ऊंचे करके मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस यही दुआ है।